धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी रमेश जी इंसान भजन बोलने के लिए आ जाएं। और जो भी सत्संग पंडाल से बाहर है आप कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठें, और जो बहन भाई यहां खड़े हैं सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी रमेश जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी नरेश इंसा रोड की भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे तू नाम दयाले, चौरासी चक्र मुकाले, यही साथ जाने वाला है कोई और नहीं। अरे एक नाम बिना परलोक में कोई ठोर नहीं। बंदे तू नाम दयाले, चौरासी चक्र मुकाले, यही साथ जाने वाला है कोई और नहीं। अरे एक नाम बिना परलोक में कोई ठोर नहीं। बंदे तू नाम दयाले, आवाज दे बुला लो, प्रभु तेरे अंदर बोलेगा कहीं और नहीं। अरे एक नाम बिना परलोक में कोई ठोर नहीं। बंदे तू नाम दयाले, लकड़ी आग समानी। दिलों में तेल समाए,
किस पत्थर आग लगाए, ऐसे मालिक तेरे अंदर कहीं और नहीं। अरे इस्लाम बिना परलोक में कोई और नहीं, बंदे तू नाम दयाले। बात न पाए खींच नरकों में ले जाए, कुएं में गिराने वाला है कोई और नहीं। अरे एक नाम बिना परलोक में कोई ठोर नहीं, बंदे तू नाम दयाले। कर संत जगत में आए, कर जाने के लिए सबको नाम की युक्ति बताए। जीवों पे है तरस कमाकर संत जगत में आए, कर जाने के लिए सबको नाम की युक्ति बताए। सत्संग तीर्थ नाए मेर जन मोकी लाहे, मुक्ति को देने वाला कर्म और नहीं। अरे बिना परलोक में कोई ठोर नहीं, बंदे तू नाम दयाले। सबसे बड़ा प्रभु मिलने का रास्ता है सत्संग, कैसा भी कोई होए पापी चढ़ जाए नाम का रंग। सबसे बड़ा प्रभु मिलने का रास्ता है सत्संग, ऐसा भी कोई होए पापी चढ़ जाए नाम करम। शास्त्र नाम जी बताए, चढ़ नाम जहाज पे जाए, तो पार तराने वाला कोई और नहीं। अरे एक नाम बिना परलोक में कोई ठोर नहीं, बंदे तू नाम दयाले। 84 चक्र मुकाले, कहीं साथ जाने वाला है कोई और नहीं। अरे एक नाम बिना परलोक में कोई ठोर नहीं, बंदे तू नाम दयाले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी नरेश इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मेरे दिल में तेरी चाहत
बस जाए बन के धड़कन मेरे दिल में तेरी चाहत, बस जाए बन के धड़कन पल भर ना भूल पाओ, पल भर ना भूल पाओ, ऐसी तड़प जगा दे वो पल कभी ना आए, तेरी याद जो भुला दे। रहे दीद की तमन्ना आठों पहर नजर को, रहे दीद की तमन्ना आठों पहर नजर को, बुझ ना सके कभी जो, बुझ ना सके कभी जो, ऐसी प्रेम अगन लगा दे वो पल कभी न आए, तेरी याद जो भुला दे। रखना हमें हमेशा खाक कदमों की बना कर, रखना हमें हमेशा आरजू है कि हलाक हो जाओ, तुझसे मिल कर के पाक हो जाओ, इसीलिए तो रास्ते में बैठा हूं तेरे कदमों की खाक हो जाओ। रखना हमें हमेशा खाक कदमों की बना कर, रखना हमें हमेशा खाक कदमों की बना कर, खुद ही आप अपने वचनों पे, खुद ही आप अपने वचनों पे चलना हमें सिखा दे वो पल कभी न आए, तेरी याद जो भुला दे। शाश्वत नाम जी हमारी यही अर्ज आपसे है, शाश्वत नाम जी हमारी, शाश्वत नाम जी हमारी यही अर्ज आपसे है। उतरे ना उम्र भर जो, उतरे ना उम्र भर जो, ऐसा नशा पिला दे वो पल कभी न आए, तेरी याद जो भुला दे। हरदम दर्श दीदार हो, हरदम दर्श दीदार हो, ऐसी नजर बना दे वो पल कभी न आए, तेरी याद जो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरी हर रीत तेरी वाज वखरा, जग नालो तेरा कम काज वखरा,
तेरा प्यार देण दा अंदाज वखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज वखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज वखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज वखरा। नची उठे आत्मा सारे दर्दां दा हो जाए खात्मा, सारे दर्दां दा हो जाए खात्मा, खीड़े दिल दे बगीचे च खीड़े दिल दे बगीचे च गुलाब बखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज बखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज बखरा। लगता ना पता सानू हो गया है कि हुण तेरे बिना किते लगदा ना जी, हुण तेरे बिना किते लगदा ना जी, तेरी याद विच रोण दा तेरी याद विच रोण दा सवाल वखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज वखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज वखरा। हर वेले मंगते हो भला जगदा, ठेका ले लिया है सारे जगदा, तुसी ठेका ले लिया है सारे जगदा, दिलां च जगाया, दिलां च जगाया तुसी चराग वखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज वखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज वखरा। सतनाम जी जे ना मिल दे शाह, सतनाम जी जे ना मिल दे, इस नु सुनाउंदे असी दुख दिल दे, इस नु सुनाउंदे असी दुख दिल दे, आत्मा नु आउंदा देण दा अंदाज वखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज वखरा, तेरी हर रीत तेरी आवाज वखरा, जग नाल तेरा कम काज वखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज वखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज वखरा, तेरा प्यार देण दा अंदाज वखरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक जी प्यारी सत्संग जी, सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्र में दाता रहबर की पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में रखते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम दे आलो प्रभु मिलने की वारी है, ये मिलने की वारी है,
हम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है हम दयालु। हम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। चौरासी में चक्कर लगाया जी, कष्ट उठाया जी, बड़ा दुख पाया, मानस जन्म कई फिर याद आया, मानस जन्म कई फिर याद आया। कन सुन में से ज्यादा गुजारी है, क्यों ज्यादा गुजारी है हम दयालु। हम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। इसलिए आया न समझ है बाया, माया का जाल चौक विषयों का बाया, माया का जाल चौक विषयों का बाया। फंस गया जो मार सके ना उड़ारी है जी, हो गई लाचारी है हम दयालु रे। हम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। संगल पाओ में बड़ा है जी, सख्त बड़ा है जी, रोए कड़ा है, भाई पुत्र परिवार बड़ा है, भाई पुत्र परिवार बड़ा है। सत न देवी माता बेटा कोई नारी है, ना बेटा कोई नारी है हम दयालु रे। हम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। जो करता अंगार है ये झूठा प्यार है, ये दिन दो चार है, जगत सरा एक झूठा संसार है, जगत सरा एक झूठा संसार है। सपने के पीछे लगे उम्र गुजारी है, क्यों बर्द गुजारी है हम दयालु। हम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। हम दयालु मालिक मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है।
लुभ के पीछे लग मारो मार करता जी पाप है करता ना मालिक से डरता भारी से हर चोर काम है करता भारी से हर चोर काम है करता लुभ चोर की भी लुभ चोर की भी आ गई वारी है जी आ गई वारी है हम दयाल रे दयालु प्रभु मिलने की वारी है ये मिलने की वारी है तेरा लूटा जी पीछा न झूठा जी दिन रात लूटा संत शरण बिन पीछा न झूठा संत शरण बिन पीछा न झूठा माल लूटा के माल लूटा के खड़ा रो रहा व्यापारी है जी रो रहा व्यापारी है हम दयालु रे हम दयालु प्रभु मिलने की बारी है ये मिलने की बारी है शिकारी तेरे पीछे लगाए ना तू भगाए ना कोई जगाए काल से बचने की नाम ही दवा है काल से बचने की नाम ही दवा है शास्त्री नाम जी शास्त्री नाम जी रोज पुकारी है जी रोज पुकारी है हम दयालु रे दयालु प्रभु मिलने की वारी है ये मिलने की वारी है नम दयालु अल्लाह मिलने की वारी है मिलने की वारी है नम दयालु प्रभु मिलने की वारी मिलने की वारी है नम दयालु प्रभु मिलने की वारी है ये मिलने की वारी है नम दयालु अल्लाह मिलने की वारी है ये मिलने की वारी है ये मिलने की वारी तो अभी आपने भजन में सुना नाम ध्यालो मालिक मिलने की वारी है ये मिलने की वारी है नाम गुरु मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन कलमा ये वो शब्द हैं जिनके अभ्यास से इंसान में रहती जीवात्मा अपने परमपिता परमात्मा के दर्शन कर सकती है आवागमन से आजाद हो सकती है और दोनों जहां की खुशियों की स्मृति लोक में हकदार बन सकती है। मालिक का पवित्र नाम लेने से जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं गम चिंता परेशानियों से जीव बच जाते हैं और हर पल गम दुख चिंता परेशानियों से आजाद होकर मालिक के गुणगान जो गाते हैं वो दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाते हैं ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। सुबह प्रभा सच्चे मुर्शिदे कामिल दाता रहबर शास्त्र नाम जी मालिक यही फरमा रहे हैं नाम दयालु अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब मिलने की वारी है। भाषा अलग है तो नाम भी अलग लिया जाएगा लेकिन किसी भी वस्तु को आप देख लो नाम बदलने से कभी नहीं बदलती। कोई भी पानी को जल नीर वाटर वॉशर आप नीलू नीरू पानी कितने भी नाम ले लो पानी को आप कहो या वॉशर या वाटर पानी का नाम चेंज होने से नाम बदलने से उसका स्वाद या रंग नहीं बदलता वही स्वाद रहता है वैसे रंग रहता है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब मालिक के लाखों नाम हैं करोड़ों नाम हैं
अरबों नाम है, लेकिन उसका नाम बदलने से वो शक्ति और उसकी भक्ति में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए उस मालिक से मिलने का मनुष्य जन्म जीवात्मा को सुनहरी अवसर मिला है। इसमें जीवात्मा परमपिता परमात्मा का अगर नाम जपे, उसकी भक्ति इबादत करे, तो इस घोर कलयुग में रहती हुई जीवात्मा मालिक के दर्शन कर सकती है, उसकी दया में रहमत के काबिल बन सकती है और अंदर बाहर खुशियों से लबरेज हो सकती है। अगर जीवात्मा मालिक का नाम नहीं लेती तो जन्म मरण के चक्कर में चक्कर लगाती रहती है। हर गम भोगने के बाद अगला गम तैयार रहता है, हर रोग काटने के बाद अगला रोग तैयार रहता है। इन रोगों से, इन भोगों से, इन गम चिंता परेशानियों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है तो वह है प्रभु का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद। आपके अंदर आत्मिक कमजोरी है, जरा जरा सी बात पे आप डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, इन सब से बचने का एकमात्र उपाय है प्रभु का नाम, सुमरण करना ही होगा। कई बार होता है गांव में भैंस अगर दवाई ना ले तो एक नाल होती है लकड़ी की बनी, उसे उधर नाल बोलते हैं राजस्थान साइड में। नाल क्या, एक लकड़ी होती है और बीच में थोथी होती है, आगे जैसे कलम होती है, पहले कलम या निब कह लें आप पेन की, तो ऐसे कलम सी घड़ी होती है थोड़ी सी, और उसमें अंदर खोखली जगह पे दवाई डालते हैं और भैंस जैसे बांह से करती है, मुंह में ठूंस देते हैं, ऊपर उठाते हैं, सारी दवाई अंदर चली जाती है, वो बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा तो कोई सामान है नहीं जो आदमी वासी ले और मुंह में ठोक दे और सारा राम नाम अंदर चला जाए, फिर तो बात ही बन जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। एकमात्र उपाय है सुमरण करना ही होगा। ऐसी कोई दवाई घोल के नहीं दी जा सकती। विप्रवाजी फरमाया करते, कोई तावीत नहीं बने जो घोल के पिला दें, पर मालिक ने चाहा तो राम नाम के सप्रे हो उसमें जो बैठे तो वो तर जाए। तो वास्तव में राम नाम का सुमरण करना होगा, दीनता नम्रता को धारण करना होगा, अहंकार को त्यागना होगा। खुद ही अहंकार मिट जाएगा तो वो मालिक आ जाएगा, नहीं तो भाई इंसान धीरे धीरे मिट जाएगा, कुछ भी नहीं हासिल कर पाएगा। तो यही सच्चे मुर्शिदे कामिल ने कहा है, काल से बचने की नाम ही दवा है, शाह सतनाम जी रोज पुकारी है। बेबरवा जी कहते, हम तो भाई रोज पुकारते हैं, कोई सुनता और अमल करता है तो बेड़ा पार है, नहीं सुनता हम तो यही कहते भगवान भला कर, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार जीव को फल भोगना पड़ता है। तो अमल करो, वचनों पे चलो, अमल करो तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे और कृपा दृष्टि से मालामाल जरूर हो जाओगे। तो प्यारी सत्संग जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से रुपिंद्र पाल सिंह बात करना चाहते हैं, इन्होंने नाम नहीं लिया है जी, और शेयर वेब कैम पे भी आ गए हैं, तो रुपिंदर जी बात करो। अंतम सतगुरु तेरा ही आसरा जी, बोलो बेटा। पिताजी, पिताजी मेरा नाम रुपिंदर पाल सिंह है, ते मैं तकरीबन 1.5 साल तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी विच हां। पिताजी मैं आप जी नाल पहली बार गलबात कर रहा हां जी, ते ना ही कदे दरबार आया ते ना ही कदे सत्संग सुनिया। इत्थे मेरे भाजी बबला बराड ते उन्हां दे दोस्त हैप्पी इंता जेड़े के काफी समय तो आप जी दे प्रेमी हन अते सेवा कर रहे हन, उन्हां दी मदद नाल मैं अज आप जी नाल ए गलबात कर रहा हां जी। आप जी बारे कुछ पढ़िया अते कुछ इन्हां प्रेमियां हैप्पी इंसा ते बबले भाजी सदका पता लग्या कि आप जी सतगुर की कृपा नाल काफी दुनिया दा इस कलयुग दे समय विच नाम छल द्वारा भला कीता ते कर रहे हो। मैं अपने आप नूं अज बहुत ही खुशकिस्मत समझदा हां कि मैं कदे सोचा भी नहीं कि मैं इस तरह तुहाडे नाल पिता जी गलबात कर सकदा हां जी। पिता जी
आप जानी जान हो साडे ते भी कृपा करियो जी बेटा। एक बार फिर अखीर विच जेकर मैथों गलबात करदे आ कोई गलती हो गई हो अपना अनजान बच्चा समझ के माफ कर देना जी बेटा। कोई गलती नहीं और कदी भी तुसी इंडिया आओ तुहाडा स्वागत है बेटा और उन्हां चिर अगर हो सके तो तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा इस नारे का जाप करते रहो मालिक तुहानू खुशियां बख्शे। सो मालिक रहमत करने वाला है कण कण विच जर्रे जर्रे विच मौजूद है तुहाडे भी आस पास परमपिता परमात्मा है सिमरन करो तो वह खुशियां दिंदा है। सो तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा इसका जाप करो बेटा और कदी भी आओ तो जी आउंदिआं नू मालिक तुहानू खुशियां बख्शे। मालिक अगे दुआ करते हैं जी बेटा। गलबात करना चाहते जी कराओ जी। पिता जी दान दान सतगुरु तेरे आसरा जी बेटा। हाँ जी पिता जी ठीक ठाक हो? बेपरवाह जी रहमत है बेटा मालक दी। पिता जी बस थोड़ी ब्याह मेरे नाल पिता जी बस यही अरदास बेनती है पिता जी बस इतने पिता जी सेवा सिमन कर देंगे बस पिता जी और निभावे पिता जी साड़ी बस इसे तरह पिता जी सेवा से सिमन करते रहिए पिता जी। जी बेटा आशीर्वाद जी। पिता जी धान धान सतगुरु तेरे आसरा पिता जी एक छोटी जी गल होर सी पिता जी जी पिता जी मेरी सिस्टर पिता जी अमन दी पिता जी यूएसए तो पिता जी ऑनलाइन बैठे पिता जी उन्होंने भी पिता जी नारा कबूल करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ ਯੂ ਐਸ ਏ ਆ ਪਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ 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 ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਨਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਤਾ ਜੀ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਹੈ ਨੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਮੇ ਰੱਖਿਓ ਬਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੇਵਾ ਸਿਮਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਚਨਾ ਤੇ ਰਹੋ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਤੀ ਹੋਈ 83 ਕਨੈਕਸ਼ਨੋਂ ਪਰ 454 ਕੇ ਗਰੀਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਲਾਈਵ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭਕੋ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। लाइव वीडियो पर 648 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में साथ लाइव देख रही सुन रही और हमें दिख भी रहे हैं परिवार। सतिंदर कौर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। पूछे पिताजी मेरा 24 फरवरी को ड्राइविंग का टेस्ट है आप जी का पावन आशीर्वाद चाहती हूं। जी बेटा आप लाइव पे नजर आ रहे हो आपको आशीर्वाद सुमन कीजिए और पूरी मेहनत से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। रवि दत्ता लदीना इटली लाइव मैसेज। पूछे पिताजी आज मेरा जन्मदिन है जी हलवा बनाया जी आप जी पावन दृष्टि डालकर प्रसाद बना दीजिए इस अवसर पर मैं दीन दू क्योंकि मध्य में बैंक में 5100 रुपए जमा करवा रहा हूं जी। आशीर्वाद मालिक आपको परिवारों को खुशियों से नवाजे आप जी की दया में रहमत भरा आशीर्वाद चाहता हूं। जी बेटा आप हमें वेब कैम पे नजर आ रहे हो आशीर्वाद और अगर आपने वो हलवा रखा है तो ऊपर टावल है तो हटा दें थोड़ा के हलवे का रंग ही ऐसा है हैं हलवे का रंग ही ऐसा अच्छा बड़ा सफेद रंग का हलवा है या वेबकैम थोड़ा ऐसा हो सकता है तो इधर मुंह पे हाथ रख लिया है लाल टपक टपक जा रही है तो ठीक है बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया आप खाइएगा मालिक आपको खुशी बख्शे आशीर्वाद। और बहुत सारे परिवार लाइव पे बैठे हैं तो उन सबको भी आशीर्वाद जो हाजिरी लगवाना चाहते हैं सबकी हाजिरी मंजूर मालिक सबको खुशियां बख्शे। आशीर्वाद चाहते हैं सारी साध संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं जी। घर में कोई परेशानी है सुबह से लेकर रात तक घर में जो खाना बनता है सुमरन करके बनाइएगा या सारे परिवार वाले घंटा सुबह शाम इकट्ठे बैठ के 2 महीने या 4 महीने लगातार सुमरन कीजिए मेहनत कीजिए मालिक ने जो आपकी परेशानियां जरूर दूर होंगी। शादी की डेट चाहिए सत्संग से पहले शनिवार जो है या शुक्रवार शाम को आप शादी का समय रख सकते हैं जी। कोई बच्चा नहीं दोनों में अभी भी चेक करवाओ रिपोर्ट में कमी तो सुमन करके दवाई लो रिपोर्ट नॉर्मल है सुमन करो 40-40 सालों बाद ही बच्चे देने वाला सदगुरु है। बच्चे का नाम रखना अपना पवित्र ग्रंथ खोलो पहला अक्षर जो आता है नारा लगा के नाम रख लो। सिर्फ बेटियां हैं अच्छे संस्कार दो तो बेटियां भी किसी से कम नहीं बाकी सुमन करो बेटे नहीं बचते
एक बीमारी होती है, आपने यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आना, उनकी राय ले लीजिए। एक गर्भवती बहन बच्चा उल्टा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ डॉक्टरों की राय ले लें, सुमन करें। घर से कोई चला गया, सारे परिवार वाले घंटा सुबह शाम इकट्ठे बैठ के सिमरन करो, 2 महीने 2.5 महीने लगातार प्रार्थना करो, मालिक कहीं भी आ जाए तो 27-27 साल के गए वो वापिस आए, यहां जहां कहीं ख्याल आए तो वहां जाके तलाश करो, सुमरन करो। हांसी में शासन ने निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जिसमें 1327 मरीजों का चेकअप कर दवाइयां दी गई जी, 26 मरीजों को चश्मे दिए गए और 65 मरीजों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। बहुत बहुत आशीर्वाद जिन्होंने ये सेवा में भाग लिया है। प्रसाद लेना घरों के लिए ले जाना, मालिक खुशियां बख्शे। शास्त्र में गिनने से प्रेफर फोर्स विंग का प्रचालन, एक भाई एक बहन खड़े हो गए, नारा लगाएं जोर से और बैठ जाएं, बैठ जाएं, प्रसाद ले लेना, नाम लिखवा देना। शास्त्र मेडिकल स्कूल पर कॉलेज सरसा रोलर स्केटिंग हॉकी ओपन नेशनल के विभिन्न वर्गों में 17 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं जी। 2 खिलाड़ियों ने इनलाइन हॉकी ओपन नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। शाबाश बेटा, शाबाश, और आगे बढ़ो, मालिक खुशियां बख्शे। प्रसाद लेना घरों में भी देना, मालिक आपको परिवारों को दया में रहम से नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्र मेडिकल स्कूल सरसा सभी जेवलियन थ्रोअर व सतब्रह्मचारी सेवा बहन गुरप्रीत दिन से इंटरनेशनल ग्राउंड बनाकर देने के लिए आप जी का धन्यवाद करते हैं और दिन के मध्य में बैंक में 7,770 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे और प्रसाद ले लीजिए, आशीर्वाद आपको परिवारों को दया में रहम से नवाजे। घर जाने की आगे लेनी, 4 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन 16 दिन 85 दिन वाले भाई बहन है, आशीर्वाद, सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना, घरों के लिए प्रसाद लेना, मालिक सबको दया में रहम से नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद। बीमार में बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना मिलती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, प्रसाद लीजिए, दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदे तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल है, गुरुसर मोड़े से दवाई ले लो या राय ले लो, पर जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा सुमरन करना। कैंसर या लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक है, मानना आपने है जी। 3 वचनों में गलती हुई खड़े हो जाए, शराब नहीं पीना, मांस अंडा नहीं, पर पुरुष पराई औरत, 3 परहेजों में गलती पहली बार हुई है तो वो खड़े हो जाए, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके आपको माफी दिलवाएंगे। आपको आशीर्वाद कहने जा रहे हैं, उससे पहले पहले खड़े हो जाइए, आशीर्वाद, खड़े रहना है अभी आपने अपनी जगह पे, आशीर्वाद, और जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। मालिक सतगुरु जरूर माफ करेंगे, आपको माफ करेंगे ही करेंगे, श्रमण कीजिए। और कई बार होता है अनजाने में बिस्किट खा लिए, ब्रेड खा लिया, पेस्ट्री वगैरह खा ली, केक खा लिया जिसमें अंडा था, या अनजाने में कोई गिलास में शराब थी, पानी पी लिया, तो नारा लगा दीजिए माफ है जी। और बीमारी वाला प्रसाद गलती से खाया, दांत गुम हुई, पाखंडी बाबे को दान दिया, लॉकेट गुम हो गया, नाम सुन लिया, नारा लगा दीजिए मालिक जो माफ करेंगे। भूत प्रेत आए हैं, खड़े हो जाएं, अपनी जगह पे चुपचाप खड़े रहना है, बोलना नहीं, जो कहता है मेरे अंदर ऊपरी पराई जिन जुड़ा भूत प्रेत है, जल्दी से खड़े हो जाओ, आपको आशीर्वाद, खड़े रहना अभी, आशीर्वाद, हमने निगाह मार ली, आशीर्वाद दे दिया, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, खड़े रहेंगे तो भूत रह सकता है जी, बैठ जाओ, और तो भाई भी चलांगे मार मार बैठते हैं, हाँ तो आपके भूत भाग गए हैं, कोई भूत बात नहीं है, सुमरन कीजिए, भरम भूत सब भगा दिए हैं, सुमरन करते रहिए, मालिक जरूर खुशियां बख्शेंगे। तो लेकिन दवाई जरूर ले लीजिए, बीमारी वाला प्रसाद लेना, दवाई ले लेना, वो भूत जब भाग जाता है ना, थोड़ी बीमारी छोड़ जाता है तो वो इलाज से ठीक होती है। सेवा सुबह 7 से रात के 8 बजे और सर से रात जो लगातार सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक उन्हें अलग से खुशियां बख्शे। और यूथ विरंगन बहनों द्वारा नशे, भ्रूण हत्या, वैश्यवृत्ति, समलैंगिकता के खिलाफ किन्नरों को उतारने के लिए पिछले 3 दिनों में कैथल, सरसा, नारायणगढ़, जमुनानगर, हिसार, दारेवाड़ा, इलाहाबाद, पुंडरी, मुलाना, फरीदाबाद, उकलाना, राधौर, उचाना, बल्लभगढ़, बिलासपुर, गन्नौर, जींद, शाहजादपुर, मंदेड़ी, नरवाना, अंबाला, सडोरा, रेवाड़ी, जटलाना, बटाला, ममदोट, गुरहर सहाय, मोहाली, बुच्चो मंडी, पटियाला, रोपड़, तलवंडी साबो, जैतू, लुधियाना, कोटकपुरा, मोहाली, राजपुरा, नीमका थाना, पाटन, चंडीगढ़ व दिल्ली के विभिन्न गांवों शहर में कुल 250 रैलियां निकाली गई थी। शाबाश बच्चों, शाबाश। चंडीगढ़ भाई ने कहा नारी आदि शक्ति है, भारत की आबादी शक्ति जागी तो सुविधा हो गई होगा, जो काम आज हो रहा है ये पहले होना था, ऐसे गुरु जी को हम भगवान मानते हैं, कोटन कोटन प्रणाम करते, शाबाश बच्चों, मालिक करवाने वाला है। मधुपुर के एसएचओ ने कहा वीरांगना शब्द अपने आप में ही लाजवाब है, तारीफ के काबिल है।
चंडीगढ़ एक सीनियर मेयर ने कहा बेटी के बिना कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो और गुरुजी ने जो बीड़ा उठाया बहुत बढ़िया, कदम कदम पर यहां भी जरूरत होगी, हम आपके साथ हैं। उचाना जूत सरपंच बहन ने कहा आपने बहुत अच्छे ढंग से रैली निकाली, सारा काम आपका समर्थन करता, हम गुरुजी के आभारी हैं। रूपाबा सरसा एक बुजुर्ग ने उसी वक्त बीड़ी तोड़ दी और कहा बस अब कभी नहीं पीऊंगा। रोपड़ के गांव गाग बैठ डोली, सरपंचों ने पूरा सहयोग दिया, टीचर स्कूल के बच्चों ने रैली के साथ रहे जी। शाबाश बेटा शाबाश, मालिक खुशियों से नवाजे, घरों के लिए प्रसाद ले जाना, परिवार को आशीर्वाद कहना और मालिक दया में रहम से माला माल करे, बहुत अच्छा शाबाश बच्चो आशीर्वाद। संत एमएससी इंटरनेशनल स्कूल की टीचर रमा छुट्टियों के लिए केरला जाना चाहते हैं, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, भगवान आपको खुशी दे, घर के लिए प्रसाद लेके जाना बेटा और सारे परिवार को कहना पिताजी ने आशीर्वाद भेजा है, प्रसाद अलग से आपको अभी दे देंगे बेटा आशीर्वाद। और महिंद्रागढ़ी आश्रम के पक्के कैंटीन सेवादार को सेवा करके दरअनंत रंग हो गया था जी, आपकी मेरी सेवा काफी ठीक है, आशीर्वाद लेने आया जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। और अखा दान सम्मति ब्लाक मलोट, चार अखा दिया जोड़ियां लेके आए, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। तू सोना तेरा रूप सोना, तेन लख लख सजदे कर दे हां, तू मन्ने या ना मन्ने खुदाया से तेनों रब ही मन दे हम। और अखा दान देने वाले हैं जी सुमित्रा देवी पत्नी मथुरा दास निवासी नेड़े दशमेश कलोनी मलोट, सुरेश कुमार पुत्र फरंगी लाल निवासी वार्ड नंबर 5 नेड़े गुरुद्वारा सिंह सभा मलोट, सुमित्रा देवी पत्नी दीवान चंद निवासी नमी आबादी गली नंबर 9 अबोहर, लाडी बाई पत्नी मथुरा दास निवासी वार्ड नंबर 4 नेड़े डीएवी कॉलेज मलोट। सो मालक तुहानू खुशियां बख्शे बेटा, करन वास्ते प्रसाद लै जाओ, खुद भी खाए और जिन्होंने अखा दान की उन्होंने भी प्रसाद दियो, अखा दान महादान, मालक खुशियां बख्शे, बहुत बहुत आशीर्वाद। उन्होंने कार्ड भी बनाया है जी, जी आशीर्वाद। और प्यारे सत्संग जी हो, कोई प्रसाद पहने शादी कपड़े बच्चे कपड़े गाड़ी की चाबी मकान की चाबी लेके आया कि आशीर्वाद लेना है, बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए प्रसाद गुरु में खुशी, गाड़ी आराम से चलाना, मोटरसाइकिल हेलमेट रखना, पहने तो लगन से याद कीजिए, लिखाई कीजिए, विवाह शादी सुख सुविधा से संपन्न हो, गृह प्रवेश नारा लगा के जिस दिन मर्जी जिस टाइम मर्जी कर लीजिए, बेटा बेटी अगर आपके हुआ है तो मालिक से दुआ है वो नेक अच्छा इंसान बने और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। बाकी जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत जी, आया नुक शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज लेना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का तो समय साधन के अनुसार आप जा सकते, रहने का जैसे से उधर भाई बता रहना, सेवा करना आराम करना, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा बैठे रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा एकदम।